जी, माननीय सदस्य ने दो बात रखी, एक जिसने इनके अपने भाषण की भूमिका तय करी एमएसपी पर, मैं माननीय सदस्य की और इस सदन की नॉलेज में डालना चाहूंगा। हरियाणा इकलौता राज्य है जो 14 फसलें एमएसपी पर खरीदता है और लगभग पिछले एक वर्ष में हमने 29,000 और कुछ करोड़ की अलग अलग यील्ड को खरीदने का काम किया है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी राज्य जितने भी हैं ये इस मॉडल को अपनाने का काम करें, चाहे भावांतर भरपाई की तरह 18 फसलें हो, चाहे एमएसपी की तरह हो, कि हमारा किसान समृद्ध। दूसरी चीज, माने विधायक ने 25 करोड़ के सड़क की बात करी, मुझे खुशी है कि 4 वर्षों के अंदर हम 20,000 किलोमीटर से ज्यादा के रोड नेटवर्क को दुरुस्त कर पाए और इस बार के बजट के अंदर भी 9,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को दुरुस्त करने के स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं, जो आपके 25 करोड़ के रोड नेटवर्क और हर विधानसभा के दुरुस्त होंगे, इन 9,000 किलोमीटर के अंदर हम उनको टेकअप करेंगे। मगर एक खुशी बहुत है कि विपक्ष के साथी हरियाणा के अलग अलग जगह जाकर हमें कोस के आते हैं, एक दिन में 10 विधानसभाओं में प्रोग्राम कर पाते हैं, ये भी उस अच्छे रोड नेटवर्क का भरोसे की वजह से ही है। अगर सड़कें ठीक ना होती तो शायद 2 प्रोग्राम भी ना कर पाते हैं।